अभी मैं आपको ना एक बड़े मजे के मेहमान से मिलवाने वाली हूँ। बहुत ही क्यूट बच्चा है और इतनी प्यारी बातें करता है, और आप इसको, अगर आप इसका वीलॉग सुनेंगे ना, ये यंगेस्ट मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी वीलॉगर है। शिराज इनका नाम है, गिलगित बल्तिस्तान का इलाका सियाचिन, जहाँ से इनका ताल्लुक है, और ये अपनी माँ की जुबान में बातें करते हैं कि ये मेरा छोटा बहन है, मैं आपको इससे मिलवाता हूँ। बड़ी प्यारी बातें करते हैं, इनकी कोई ना कोई मदद करता होगा क्योंकि ये बच्चा अकेले इस तरह से वीलॉगिंग नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा जरा सुनेंगे आप? देखिए, वो अपना जो है वो अपना इलाका जिस तरह से दिखाते हैं, मैंने देखे हैं इनके, वो बड़ा खूबसूरत है। मुझे इतनी इतना मजा आता है इनकी बातें सुन के, खैरो खैफियत से बोलना भी नहीं आता। बहुत सवालों में खुद से जवाब भी दे रहे हैं और कहते हैं मुस्कान को डर भी नहीं लगता। अब वीलॉगिंग करते करते अपनी बहन को आवाजें देते हैं कि रुक जाओ, आगे मत जाओ, लेकिन वो नहीं रुक रही। यार बहुत ही क्यूट बच्चा है। तो शराज इस वक्त हमें ज्वाइन भी कर चुके हैं। शराज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप इतने प्यारे हो कि मेरा बहुत दिल चाह रहा था कि आपसे जल्दी से बात हो जाए। मुझे बताएं आप कौन सी क्लास से पढ़ते हैं, बल्कि सबको बताएं, और ये वीलॉग्स किसने आपको बनाना सिखाया है, फिर ये वीडियोस देखकर, या फिर आप देखते हैं यूट्यूब पर, खुद ही सीख लिया आपने? मैं 1 क्लास में पढ़ते हैं जी, और मैं ना मोहम्मद शेरा सिंह, मैं बचपन से ही मेरे दिमाग में शौक था वीडियो बनाने के लिए, फोटो बनाने के लिए। अच्छा शिराज साहब, को इतने छोटे से क्यूट से बच्चे हैं, तो ये वीलॉगिंग के लिए कौन आपकी मदद करता है? को अब्बू आपके साथ होते हैं, छोटी बहन मदद करती है, कौन होता है साथ? क्योंकि आप व्लॉग बनाते हैं, बहुत सी रील बड़ी चीज़ें लंबी चौड़ी होती हैं आपकी। मेरी बहन मुस्कान वीडियो बनाते हैं मेरे साथ, मेरे अब्बू हेल्प करता है। अल्लाह, इतनी प्यारी, 1 क्लास में आप पढ़ते हैं और इतनी प्यारी आप बातें करते हैं। अक्सर आप अपने गांव की जो लाइफ है ना, उसको, उसके बारे में आप बहुत बताते हैं शिराज। तो ज़रा हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताइएगा कि आप गिलगित के कौन से इलाके में रहते हैं, वहाँ की सबसे खूबसूरत हसीन जगह कौन कौन सी हैं, और नए आने वाले जो वीलॉग्स हैं उनमें आपने कहाँ कहाँ जाना है, सब कुछ बता दें आज जी। हमारे यहाँ पहाड़ हैं, बर्फ हैं, पुल हैं, लकड़ी से बनाए पुल हैं, और क्या कहते हैं, और बहुत सारे पानी समंदर में मौजूद हैं, और क्या कहते हैं, और सड़क भी बहुत खूबसूरत हैं, आप भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत हैं, खुद से भी बहुत खूबसूरत हैं, और दुमसुम भी बहुत खूबसूरत हैं। समंदर भी है ना, समंदर में पानी भी है। समंदर में पानी भी है। अच्छा शिराज, हमने सुना था कि आपके गिलगित में सर्दी बहुत होती है, तो आप जब सुबह वीडियो बनाते हैं तो सर्दी तो बहुत लगती होगी आखिर में, ये सर्दी के बारे में आप बताएं। आपको दिखाता हूँ मैं, बना के आपको दिखाता हूँ। अच्छा। मेरे पास मोबाइल नहीं है ना, मैं हाथ पे करता हूँ, ठीक है? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे आप सब, उम्मीद तो अच्छे होंगे। अभी मैं अपने गांव में मौजूद हूँ, देखो अभी मेरे साथ मामूसन भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मामूसन। वालेकुम सलाम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे खेल रहा था। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं मेरी बकरी उलू बकरी नहीं भी लाया ना, वो लेने आ रहा था। अच्छा इतनी प्यारी बातें, इतने प्यारे भाई, वो पहाड़ है, और वो क्या है, वो क्या पता नहीं, वो पता नहीं क्या है। ये अंदाज शिराज का सबको इतना पसंद आ रहा है सोशल मीडिया पर कि मैं बता नहीं सकती कि दिल चाहता है ये बोलते रहे और हम सुनते रहे। बहुत जबरदस्त किस्म की ये वीडियोस शिराज की आ रही हैं, और मुझे लगता है कि गिलगित के वो इलाके जो शायद टूरिज्म में निग्लेक्टेड हैं, वो शिराज की वजह से अब लोग वहाँ पर विजिट। बिल्कुल शिराज, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच, और ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते रहे, हम सब सुनते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।